आपके हाथ में क्या हुआ, चोट लगी हुई है? चलो आपके लिए बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ मैं, आपको अच्छी लगेगी। अंकल जी की मदद करेंगे, अंकल जी को देंगे। नमस्कार अंकल, ठीक हो आप? सही काम चल रहा है? चल रहा है, जैसे मेहनत कर रहे हो? मेहनत तो आपके सामने देख सामने देख भी रहा हूँ, बहुत देर से देख रहा था, आप मेहनत में लगे हुए हो। आपके हाथ में क्या हुआ, चोट लगी हुई है? हाँ जी नहीं, ऐसे ही हो गया था। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 66। 66 साल के हो आप? हाँ। तो सर्दी लग रही है, कपड़े वपड़े चाहिए? कपड़े हैं तो दे दो, सही है। गर्म कपड़े चल जाएंगे? चल जाएंगे। ठीक है, और खाने के लिए पानी राशन कुछ? वो तो सर अगर दिए जाते हैं लोग तो मतलब। चलो आपके लिए बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ मैं, आपको अच्छी लगेगी। ठीक है, एक सेकंड रुको आप। अंकल जी की मदद करेंगे, अंकल जी को देंगे राशन जो अंकल को अच्छा लगेगा। अंकल को देंगे दाल और देंगे दूसरी वाली दाल। और देंगे अंकल को ये है लोबिया, एक तो ये हो गया, तीन पैकेट हो गए। डेट भी चेक कर लेते हैं, 2024। कभी भी किसी को तुम कुछ डोनेट करते हो तो डेट देखकर, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, 24 कि किसी जल्दबाजी के चक्कर में कोई बीमार ना पड़ जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए। हेलो अंकल जी, ये है एक लोबिया का पैकेट, बनाना खाना अच्छे से। ये है आपकी उड़द की दाल और ये है अंकल जी आपकी अरहर की दाल। ठीक है, और कुछ मैं आपको कैश दे रहा हूँ, बस एक हाथ जोड़ के विनती है, कभी हार मत मानना, मेहनत करते रहना। एक बार बताया आपसे, आप देख रहे हो, अगर हार माने ना तो घर बैठते, क्योंकि जिंदगी में हार मान गया आदमी, वो गया काम से। बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 1100 मेरी तरफ से। बच्चे हैं? पढ़ाई करते हैं? एक पढ़ रहा है। अच्छा, मतलब मैं जो हमारी तो जिंदगी निकल गई उसमें जी। अब लड़का है जी, तो उससे BA फाइनल करा दिया है जी। अब कंप्यूटर कोर्स करा रहा हूँ सब, जब तक चल रही है गाड़ी तो नहीं, जब मैं होगा तो कहूँगा बेटा छोड़ कंप्यूटर, अपनी कहीं नौकरी नहीं छुड़वाओ मत। अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई फ्री में की करवाई जाती है, वहाँ पे भेज देना बच्चे को। तो एक बार अभी तो मतलब पढ़ जो कंप्यूटर कोर्स कर रहा है। हाँ जी, अब ये सोच रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल का था, 1 साल हो गए, 6 महीने और रह गए हैं। अच्छा, उसके बाद में सर कहीं नौकरी तलाशूंगा, बच्चे के लिए मिल जाती है, ऊपर वाले को उससे मेहनत अपनी है। बस एक हाथ जोड़ के विनती हो रहा है मेरी आपसे, मेरी बात को मानना, अमल करना, बेटा हूँ मैं आपका। गुटखा दारू वारू मत पीना आपके, मैंने अभी दांत देखे हैं, तो ये खाओगे ना आपका जीवन खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, जिससे लाखों का खर्चा आएगा, बेटा आपका टूट जाएगा। सही बात है। नहीं सर, एक बात है, मैं दारू तो कभी पीता ही नहीं है, हाथ नहीं लगाता। वो अच्छी बात है, नहीं पीते, लेकिन ना बीड़ी पीता हूं। नहीं नहीं, देखो मैं तो कभी कभार खाता हूं। मेरे प्यार करने वाले भाई है, मेरे से प्यार करते हैं, तहलका भाई से प्यार करते हैं, ये गुटखा मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। हाथ जोड़ के विनती है, बच्चे आपके इतने प्यारे मासूम बच्चे हैं, जब घर पे जाते हो खेलते हो ना, जब आप घर ही नहीं पहुंच पाओगे तो बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात, बच्चे वेट करते रह जाएंगे और आप चले जाओगे, भगवान को प्यारे हो जाओगे तो कैंसर हो जाएगा, लाखों करोड़ों का खर्चा आ जाएगा, घर बिक जाएगा। तो ये सब मत खाओ यार, ठीक है? अच्छी चीजें खाओ, बढ़िया पानी, बढ़िया जूस, बढ़िया से खाना, दाल चावल रोटी। दारू और बीड़ी ये तो मैंने शुरू करते ही नहीं हूँ, बस गुटखा की आप मुझे सामने कहता हूँ कि गुटखा कभी कभार खा, अब मत खाना, अब नहीं खाऊंगा। वो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो। और मैं अभी कल या परसों यहाँ से निकलूंगा, आपके लिए बढ़िया सी शानदार सी स्वेटर दे के जाऊँगा। चलो अंकल जी, बाय बाय, लव यू।